दर्शक नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि मौजूद है रुकसिन पे, जो कि सियांग के एक छोटे से जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ हमें देखने को मिले कि अधि स्टूडेंट यूनियन जो सियांग यूनिट है, उनका प्रेसिडेंसी अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ श्री नोंगको आजे और जनरल सेक्रेटरी उनकी मुझे के लीडरशिप के अंदर यहाँ अधि स्टूडेंट यूनियन सियांग द्वारा प्लांटिंग किया गया है। ये प्लांटिंग इसलिए किया गया है क्योंकि आज से वन महोत्सव जो दिवस है हमारे यहाँ, हर साल जो जुलाई महीने की पहले सबसे पहले जो हफ्ता होता है उसे मनाया जाता है। इसी दौरान उन लोगों के द्वारा यहाँ पर प्लांटिंग किया गया है। आगे पे हम चल के देखेंगे कि यहाँ रुकसिन के जो आरएफओ है, जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे आके प्लांटिंग करेंगे इस अधिशु के साथ मिलकर। वो हम आगे आपको चलकर दिखाएंगे। आप लोग देखते रहना और बने रहना। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। और सर आज के जो वन महोत्सव के दौरान जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पे प्लांटेशन प्रोग्राम जो रखा गया, उसके विषय में आपको उसको लेकर आपका क्या हाँ जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अरुण भूमि के माध्यम में मैं ग्रेटफुल हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट द आदि स्टूडेंट यूनियन एंड सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हेडेड बाय आदि स्टूडेंट यूनियन जिरबोजामो एंड सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन आदि प्रेसिडेंट नोंगको आजे एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ये एक्चुअली ये वन महोत्सव एंटायर हम लोग का ये वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। द फर्स्ट टुडे इज जुलाई फर्स्ट, देन हर ये महीना में कंप्लीट ये होगा, प्लांटिंग होगा। तो आप लोग ने हमको बुलाया, अच्छा किया है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल स्टूडेंट लीडर्स फॉर नोबल गेस्ट ऑफ दिस प्लांटिंग सैपलिंग्स इन वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल स्पीसीज। ये जो अभी हम लोग प्लांटिंग हो रहा है, ये हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट का ये गेटवे है। हम लोग का जो रुकसिन है एडीसी हेडक्वार्टर का सामने में जनरल ग्राउंड में हम लोग स्टूडेंट पार्टी लोग मोर देन 500 नोट्स ऑफ सैपलिंग वेराइटीज ऑफ सैपलिंग हम लोग प्लांटिंग किया है। इसलिए मैं ग्रेटफुल है स्टूडेंट लीडर लोग को। तो ये महीना एंटर ये हम लोग का जुलाई महीना आप लोग का ये वन महोत्सव हम लोग मनाया जाता है। तो खास करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इकोलॉजी बैलेंस, तो क्लाइमेट चेंज का इंस्ट्रक्शन है। दिस टाइम दिस इज फर्स्ट एवर एक पेड़ माँ के नाम में हम लोग ये माना जाता है। और इसी प्रकार इसी द्वारा हम लोग बस्ती बस्ती गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, पब्लिक जगह में, कम्युनिटी हॉल में ये हम लोग प्लांटिंग हो रहा है, अभी होने हो भी रहा है। और ये एंटायर महीना में हम लोग जुलाई महीना में ये हम लोग कैरी आउट करेगा प्लांटेशन ड्राइव। सर, ग्रीनरी बढ़ाने के लिए ऐसे प्लांटिंग करना कितना इम्पोर्टेंस है आने वाले जनरेशन के लिए सर, आपके हिसाब से? हाँ राइट, एक्चुअली देखिए आज का डेट में वो ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी बेसिक कंसर्न। तो ग्लोबल वार्मिंग होके इतना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन होके इतना हम लोग को धूप समय में हम लोग को इतना गर्म मिल रहा है, ये एक हम लोग का एग्जाम्पल है और प्रैक्टिकल है। सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस को रखने के लिए हम लोग जगह जगह में हम लोग का ये डिपार्टमेंट का तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एनकरेज देता है, अवेयरनेस देता है। प्लांटेशन जहाँ जहाँ प्लांटिंग करना है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑलरेडी हम लोग सेलिब्रेट किया है। देन टुडे वन महोत्सव का नाम में हम लोग हर जगह में, हर बस्ती में, हर कम्युनिटी में, हर जगह में हम लोग ये अवेयरनेस देता है। एक आदमी एटलीस्ट एक प्लांट सैपलिंग लगाना है, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। और सर जैसे आपने कहा कि ये अच्छे इनिशिएटिव है जो अधि स्टूडेंट यूनियन सियांग द्वारा ऑर्गेनाइज किया है, अगर आने वाले दिनों में किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस तरह की काम या फिर इस तरह की प्रोग्राम वो लोग आयोजित करते हैं, तो आप ऐसे ऑफिसर या फिर ऐसे सीनियर होने के नाते उन लोगों को क्या सहमत देना चाहेंगे? राइट, अभी भी हम ये बोल रहा है और बोल भी रहा है, तो नेक्स्ट में भी हम
स्टूडेंट लीडर लोगों को यही बोल रहा है, सुझावना दिया है, एडवाइस है मेरा तरफ से एज ए एल्डर एज ए ऑफिसर, नेक्स्ट में अच्छा से आप लोग कीजिए। सावलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हम प्रोवाइड करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग रखना है, सब इसमें ये मिलजुल के काम करना है। सो दैट्स ऑल, चलिए धन्यवाद सर, आपको वन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, और यहाँ हमारे साथ मौजूद ईस्ट सियांग यूनिट के स्पोक पर्सन, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस इनिशिएटिव उन लोगों के मन में या फिर उन लोगों के ग्रुप में कैसे आया। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ये सर आप लोगों को कैसे आइडिया आया इस यूनियन को कि प्लांटिंग करना चाहिए इस महोत्सव के दौरान? नहीं, पहले देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके द्वारा उसने कहा गया था कि मतलब एक पेड़ माँ के नाम, उसी से हम लोग को मतलब थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिला है। तो वो एनकरेजमेंट से लेके हमने और हमारे स्टूडेंट यूनियन के हम लोग जो आदिशु ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है नोंकू अजय और जनरल सेक्रेटरी है उनकी मुझे, हम लोग थ्रोली डिस्कशन करने के बाद में हम लोग का भी मन में आया कि मतलब चलो सही है कि मतलब एक पेड़ लगाना हमारा भी एक जिम्मेदारी है। तो इसी विषय में हम लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम कुछ इस ढंग से हमने कार्यक्रम को बनाया है कि मतलब हमारे यहाँ पर इस बार हम लोग पार्क स्पेस कैलेंडर इवेंट हम लोग बनाएंगे बोल के, पार्क स्पेस कैलेंडर इवेंट में हमने 6 स्कूल को हमने पहले लिया है। हमारा जो है मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल बीलात और यूपीएस बीलात से लेके यहाँ बीलात से लेके मिरम और ये निगलोक और मल्लुंग और ये रुक्सिन, और अभी देखिए यहाँ रुक्सिन एडीसी हेडक्वार्टर का यहाँ में है, यहाँ में तो हमने मोर देन 15 किलोमीटर समथिंग ऐसा कवरेज ले लिया इस बार। इस विषय इसी दौरान हम ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसा एनवायरनमेंट अभी का समय में जरूरी है, आप सभी दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मतलब एक पेड़ आप लोग भी काइंडली माँ के नाम से डाल दीजिए। और सर यूनियन वाले जब ऐसा पौधा या फिर जब प्लांटिंग करते हैं तो ऐसा कई बार भी ऐसा हुआ है, कई लोग पौधा लगाते हैं लेकिन उसको अच्छे से शायद नर्चर नहीं करते, उसको देखभाल अच्छे से नहीं करते, तो दो तीन दिन बाद उसका सरा हुआ वो पौधे देखने को मिलता है। जी सर, थैंक यू। ये पॉइंट मैंने मिस किया था, आपने सही किया, हमको रिमाइंड कर दिया। ये इसी दौरान में हम लोगों ने एक कॉम्पिटिशन भी रखा हुआ है, जिस जगह पे हमने सिप्लिंग्स डाले हैं उस जगह पे मतलब जिसका ज्यादा सरवाइव रहेगा उनको हम सेकेंड फेज जब अगले बार का जब वनवत सब मौसम होगा उसमें पार्स अप्रैल में फिर हम लोग फिर कैलेंडर इवेंट को फिर कहीं और में करेगा, उस समय में उसी दौरान हम लोग जिसका ज्यादा सेप्लिंग सरवाइव हो गया उनको हम प्राइज दिलाएंगे, वही है हमारा। चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू।